प्यार क्या है? राहुल तुम बताओ। टीना, चलिए आज बात करने वाले हैं लव रिलेशनशिप्स के बारे में। अगर आपके कोई क्लाइंट आपके पास कुंडली दिखाने आए हैं अपने लव रिलेशनशिप मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले उनका मंगल देखना है। अब आप जानते हैं कि शादी की बात आए तो मांगलिक दोष देखते हैं। क्यों? सबसे पहले ये बात करते हैं क्यों देखते हैं। क्योंकि मंगल एक हॉट प्लैनेट है। मंगल किसी की नेचर में काफी हद तक गुस्सा, हाइपर एक्टिविटी, आक्रामक सा बनाता है उस इंसान को। मंगल की प्लेसमेंट उसकी डिग्रीज डिसाइड करेंगे कि वो किस लेवल तक का इंसान, उसके अंदर गुस्सा है, बाकी ग्रहों की दृष्टि किस तरह की पड़ रही है, राइट? तो हमें ये चीजें देखनी है। अब प्यार, मोहब्बत, लव, मैरिज, इन सब के अंदर गुस्से का क्या काम, ठीक है ना? तो इसलिए मांगलिक दोष को इस मामले में इंपॉर्टेंस दी है। इस मामले में इसको बहुत ज्यादा तूल दिया गया है। अब हमें देखना है कि सेवेंथ हाउस के अंदर मंगल है या सूर्य है। अब मंगल और सूर्य में ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है कि अगर सूर्य वहां पर है तो इसका मतलब वो गुस्सा नहीं दे रहा। कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं, सूर्य है तो भी आपके अंदर लड़ाइयां या झगड़े, गुस्सा ज्यादा होगा मैरिजेस के अंदर। सूर्य दे रहा है डिसिप्लिन, मंगल दे रहा है गुस्सा।